हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश बसीन में। सो गाइस, ये जो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये गाइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आपको कुछ हिंट मिल गया होगा कि ये जो मैं आपको निफ्टी के 10,000 का जो लेवल बता रहा हूँ और जो बैंक निफ्टी का 24,000 का लेवल बता रहा हूँ, यानी कि 3,500 हम कह सकते हैं पॉइंट्स ऊपर अभी चल रहा होगा बैंक निफ्टी, यानी कि 27,000 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी। और निफ्टी जो 10,800 चल रहा है वो 10,000 तक आ सकता है। हाँ दोस्तों, ये जो गिरावट आ सकती है इसकी संभावना बहुत ज्यादा अधिक है और अब ये देखने भी लगा है। इसका मतलब ये है कि गाइस, ये जो मैं आपको लेवल्स इसके अंदर बता रहा हूँ, ये लेवल्स हमें अचीव हो सकते हैं। कुछ ऐसे पैटर्न बन गए हैं चार्ट के अंदर जो अब एक तरीके से बता रहा है कि हाँ, अब यहाँ से एक भारी गिरावट की संभावना आ सकती है। मैं नहीं कह रहा कि ये 1 महीने के अंदर आएगी, 2 महीने के अंदर आएगी, हो सकता है कि इसे 4 या 5 या 6 महीने भी लग जाए, पर गाइस ये 10,000 का लेवल आएगा और बैंक निफ्टी में 24,000 का लेवल भी आ सकता है। गाइस हो सकता है कि वो पैटर्न नहीं काम कर रहे और वो पैटर्न काम कर देने के बिना ही वो ऊपर चले जाए, तो हम सिर्फ पैटर्न्स को फॉलो करके ही अपनी रिकमेंडेशंस आपको देते हैं और आपको सिर्फ बताते हैं कि क्या ऐसा बना है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है। सो गाइस, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज बहुत ज्यादा ही बढ़िया ट्रेड्स गए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस पे काम करा होता, मैंने आपके लिए अपने YouTube चैनल के जो फैमिली मेंबर्स हैं उन सबके लिए, जो 25,000 मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सबके लिए मैंने एक ऐसी वीडियो अपलोड करी थी पिछली बार, जो मैंने 2 या 3 दिन पहले करी थी। उस पर मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में समझाया था। गाइज, मेजर्ड मूव, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ। मेजर्ड मूव का पैटर्न एक चार्ट्स में बन रहा था, वो मैंने आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन करा था कि मेजर्ड मूव कैसे फाइंड करा जाता है किसी चार्ट के अंदर, कौन कैसा पैटर्न होता है, फिबोनाची का यूज करके, ट्रेंड लाइंस का यूज करके हम किस तरीके से उसमें बाय या सेल सिग्नल को जेनरेट कर सकते हैं गाइस। और अगर आपने मेरी वो कल वीडियो देखी होती और अगर आप सीख गए होते, और उस पे जो मैंने आपको एक स्टॉक पे जो एग्जांपल भी दिया था, वो गाइस वो एग्जांपल ने आज बहुत बढ़िया तरीके से अप मूव दिखाई गाइस, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कैन फिन होम्स। हमने एक दूसरा स्टॉक का भी एग्जाम्पल दिया था रेपको होम फाइनेंस पर। गाइज, रेपको होम फाइनेंस में कुछ हम कह सकते थे कि जो उसके रिजल्ट्स थे वो अच्छे नहीं आए थे, तो मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल थोड़ा टाइम फेल कर सकता है, क्योंकि अगर कोई अनसर्टेनिटीज अगर आ जाती है इवेंट्स, तो उसकी वजह से टेक्निकल फेल हो जाता है, पर वो अपने उसी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है जहां पर उसके पैटर्न या जहां पर उसका चार्ट दिखा रहा है। और गाइस आखिरी में रेपको होम में हुआ ही वो। मैं आपको बहुत बार वीडियोज में बता चुका हूँ कि गाइज उज्जीवन पे मेरा फोकस है, कैनफिन होम में मेरा फोकस है, मेरा रेपको होम में फोकस है, मेरा जी एंटरटेनमेंट में फोकस है। मैं आपको अपनी हर वीडियोस में बता चुका हूँ। सो गाइस, आज हमें बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिले थे गाइस, बहुत अच्छे क्लाइंट्स को हमने ट्रेड्स दिए हैं। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ ट्रेड्स के बारे में, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कैनफिन होम पे हमने 2,700 रुपये का प्रॉफिट कमाया रेपको होम बाय करके। गाइस इतनी गिरावट आई थी रेपको होम पे, पर तब भी हमने बाय करके 8,500 का फायदा कमाया। उज्जीवन की अगर मैं बात करता हूँ गाइस, उज्जीवन को भी हमने बाय करा 5,000 का प्रॉफिट, जील इंटरटेनमेंट को भी हमने बाय करा 10,500 का प्रॉफिट। और गाइस कुछ और भी ऐसे स्टॉक्स थे जो हमने अपने क्लाइंट्स को बाय करवाए थे, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पर मैं इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम बढ़ेंगे सीधा चार्ट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स के अंदर। और गाइस कुछ मैं आपके लिए स्विंग ट्रेड्स और लेकर आ रहा हूँ, पर मैं आज लेकर आने वाला था, पर कुछ हमें उसमें थोड़ी बहुत और देखनी है कि वो कल किस तरीके से मूवमेंट करता है, तभी हम आपको उसमें बायस सेल जनरेट करके देंगे और आपको कल एक बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स प्रोवाइड होने वाली हैं। सो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा गाइस, तभी आप मेरी वीडियोस का लाभ उठा पाएंगे और देख पाएंगे। और मेरी जो पिछली वीडियो सिखा गई है आपको कि किस तरीके से पैटर्न को देखा जाता है चार्ट के अंदर और बाय सेल में ट्रेड लिया जाता है, जिससे आज हमारे क्लाइंट्स को भी फायदा हुआ है, तो उसको देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है और वीडियो खत्म होने के बाद आपको यहीं पर ही शो कर जाएगा, देखा जरूर लीजिएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं हम उनकी एक्सेल शीट बना देते हैं गाइस, सो हर वीकली बेसिस पे हम उनकी एक्सेल शीट उनको प्रोवाइड कराते हैं।
यहाँ पर आप एक बार इसे पॉज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 1st और 11th ऑफ फेब, 12th ऑफ फेब, 13th ऑफ फेब और आज को हमने क्या क्या करवाया था और टोटल प्रॉफिट हमें कितना हुआ है। सो इसे आप पॉज कर लीजिएगा और एक बार चेक कर लीजिएगा किस तरीके से है। कोई क्वेरीज होंगी तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं गाइस चार्ट्स की तरफ। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रख लिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट समझाने वाला हूँ, अब प्लीज फोकस करके इसको देखिएगा चार्ट को, और पॉज करते करते अपने चार्ट्स पे भी जाके जैसा एग्जैक्ट मैं बना रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही एग्जैक्ट आपको बनाना होगा। और कभी भी अगर आपको समझ में नहीं आए कि निफ्टी में आज क्या ट्रेड लेना चाहिए, किस तरीके की मूवमेंट लग सकती है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके निफ्टी का सिर्फ चार्ट ओपन करके मेरी बातें सुनेंगे ना गाइस, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके का ट्रेड लेना है, बाय या सेल साइड में। सो गाइस सबसे पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो समझाई थी उस पर जो मैंने आपको एक पैटर्न के बारे में बताया था, मेजर्ड मूव गाइस, वो पैटर्न इसमें एक बन रहा है पहली बात। तो दूसरी बात, सबसे बढ़िया वो पैटर्न का हमें एक जो पॉइंट मिला है कि जहां से बहुत बढ़िया हमें प्रॉफिट मिल सकता था, उस लेवल पे जाके फिबोनाची ने काम करा है। दूसरी बात, एक और पैटर्न बन रहा है गाइस जिसकी वजह से मैं आपको 10,000 का लेवल बता रहा हूं। अब बढ़ते हैं इन सब चीजों के बारे में और बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैटर्न बनाना चाहूंगा, मैं सिर्फ ट्रेंड लाइंस का, फिबोनाची का यूज करूंगा, उसके अलावा कुछ यूज नहीं करने वाला गाइस। एक मैंने मूविंग एवरेजेस लगाई हुई है जो हम 2 या 3 दिन का हमें ट्रेड जो बता सकती है, पर मैं आपको जो 3, 4, 6 महीने का बता रहा हूं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बॉटम ये रहा, बॉटम से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को अटैच कर दिया। आप देख सकते हैं कि मैं जूम करके दिखाता हूं आपको, ये जो आपको दिख रहा है जो ये गैप अप था, इसके नीचे गैप अप हुई है, यहां से मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूं और इन दोनों सपोर्ट्स को टेस्ट करता हूं, जो रेजिस्टेंस है देखिएगा। मैंने दोनों के दोनों रेजिस्टेंस को टेस्ट करा और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी गाइस। अब हमें क्या दिख रहा है, अगर आपने मेरी पिछली प्रीवियस वीडियो देखी है तो आप समझ गए होंगे कि ये किस तरीके का पैटर्न बन रहा है गाइस। ये रहा टॉप, इस टॉप से मैंने बॉटम तक एक और लाइन खींच दी और ये जो पैटर्न डेवलप हुआ है गाइस, ये पैटर्न हुआ है मेजर्ड मूव पैटर्न। गाइस चार्ट्स में किस तरीके से देखा जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करा गया है। बहुत सारी रिकमेंडेशंस मेरे पास आई थी, लोगों के मैसेजेस आए थे कि आपके ये समझाने पे, जिस स्टॉक पे आपने समझाया था उस पे हमें अच्छा खासा फायदा हुआ है। सो गाइस इसको जरूर देखिएगा मेरी प्रीवियस वीडियो को, और इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो ये बना है गाइस एक मेजर्ड मूव पैटर्न, मेजर्ड मूव पैटर्न बना है। तो अब हम कब डिसाइड करेंगे कि गिरावट आ सकती है, और क्योंकि हम देख सकते थे यहां से मार्केट ने कप मूव दी, शॉर्ट टर्म करेक्शन आई, मार्केट ने इस ट्रेंड सपोर्ट को ब्रेक नहीं करा, वापस ऊपर गई, वापस नीचे आई गाइस, तब भी इस पर सपोर्ट लिए, इसको ब्रेक नहीं करा, और अभी भी हम देख रहे हैं वही है, और शायद इसको ब्रेक कर सकती है, शायद नहीं कर सकती। सो किस तरीके से हमें काम करना है, हम ड्रॉ करेंगे इसके लिए गाइस फिबोनाची रिट्रेसमेंट। एक पैटर्न सबसे पहले हम सीखेंगे, दूसरी बात दूसरी पैटर्न सीखेंगे। ये रहा टॉप, इस टॉप से हमने एक ऊपर से डॉट लगाया और नीचे जाके हमने यहाँ पर इसे छोड़ दिया गाइस। अब ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से यहाँ पर बन रहा होगा, जूम करेंगे हम इसे। सबसे पहले ये जो 3 पॉइंट्स हैं, जो परसेंटेज है, इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, हर वीडियो पे सिखाया गया है, आपको बताया गया है, कॉशियसली इसे देखिए और समझिए। 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल देख सकते हैं गाइस कि आप इस लेवल को, इसने यहां पर भी फेल कर दिया, इसके ऊपर नहीं जा पाया, कितनी बार यहाँ कंसोलिडेट करा नहीं जा पाया, उसके बाद वापस इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी पर वापस नीचे आ गया। और गाइस दूसरी बात, इतनी बार सपोर्ट लेने के बाद इसने अप मूव दी और 50% पे जाके ये कंसोलिडेट करने लगा। देख सकते हैं आप 50 में इसने कब कंसोलिडेट करा, 11th, 29th ऑफ दिसंबर से लेके गाइस आप देख सकते हैं 25 जनवरी तक, इतने टाइम तक ये 50% के आसपास ही कंसोलिडेट करते रहा निफ्टी, और वहां से वापस उसने डाउनफॉल दिखाई और ट्रेंड लाइन को टेस्ट करा।
उसके बाद एक और अपमूव आई, दूसरी अपमूव में इसने 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल को टेस्ट करा और अब दोबारा नीचे आ गया। मेरी बात ये सजेस्ट करती है, या मैं ये कहता हूं कि ये जब मेजर्ड मूव बनता है तो वो ऊपर से नीचे आके नहीं टूटता, ये तभी टूटेगा जब ये एक बार ऊपर जाके 31, 38 को रिस्पेक्ट दे के नीचे आएगा, दोबारा ऊपर जाके 50 को रिस्पेक्ट दे के नीचे आएगा, और तीसरी बार गाइस जो ये गया है ऊपर जाके 61 को रिस्पेक्ट दे के नीचे आएगा, तब जाके ये अपना लेवल या इस सपोर्ट लाइन को तोड़ देगा। और जब ये सपोर्ट लाइन को तोड़ेगा गाइस, तो अपने ये इस यहां तक जा सकता है, यानी कि आप देखिएगा ये जो आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर 10,700 और ये लेवल है 10,000। आप देख सकते हैं जो इसका टॉप है 11,700 का, और हम ये कह सकते हैं 10,000 का, यानी कि कुल 1700 पॉइंट का हम इसमें देख रहे हैं। अब हम इससे मान के चलते हैं कि इसका आधा, यानी कि इसका 50% तक ये गिर सकता है, और कहाँ से गिर सकता है, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। ब्रेक होने के बाद जब ये अपने 800 पॉइंट गिरेगा, 10,600-700 से अगर ये 800 पॉइंट गिरता है तो 9,900 जाएगा, और जो सबसे बड़ा सपोर्ट है इसका वो है सीधा 10,000 पे, यानी कि अपने प्रीवियस बॉटम तक जा सकता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के। तो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया गया है, जो पहला पैटर्न बना है निफ्टी के अंदर वो बना है मेजर्ड मूव, जिसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो सकता है, और अभी भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ गाइस। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था गाइस कि तीसरी बार जाके होगा, और तीसरी बार में यानी का मतलब है 61% को टेस्ट करने के बाद ही ये नीचे का सपोर्ट तोड़ेगा। बिल्कुल इसी टाइम हुआ ये, आप देख सकते हैं जो मेरी सब ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो भी बिल्कुल 61.8% के लेवल पे ही बनी हुई है। सो आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल चार्ट्स हैं वो किस तरीके से हमें रिस्पेक्ट देते हैं और किस तरीके से हमें बता देते हैं। अब मैं इसे हटाना चाहूंगा, पॉज करके आप एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद दोबारा इसे बना लीजिएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न की तरफ, कि जो दूसरा पैटर्न सजेस्ट कर रहा है 10,000 का लेवल, पहले पैटर्न ने आपको बता दिया होगा। अब हम बढ़ते हैं वापस, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं एक वॉर सेगमेंट चूज करता हूँ, उसके बाद आप देखिएगा यहां से मार्केट की मूवमेंट स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहां से मार्केट ऊपर जाता है, हम देखते हैं एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आता है, मार्केट वापस ऊपर जाता है, वापस नीचे आता है गाइस, दोबारा ये ऊपर जाता है यहाँ पे टॉप पे, और अब दोबारा ये शायद नीचे आ सकता है। सो गाइस आप ये चीज देखकर आराम से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कौन सा पैटर्न बताना चाह रहा हूँ। ये पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया जो मैं आपको बता रहा था, अब देख सकते हैं। ये देखिए गाइस, ये था इसका एक शोल्डर, उसके बाद इसने अपना हेड बनाया, दोबारा उसने अपना एक शोल्डर बनाया। अब शोल्डर का हम कैसे कह सकते हैं ये शोल्डर बना है, इस ट्रेंड लाइन को मैं हटाना चाहूंगा, दोबारा मैं इन दोनों ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूं। अब आप देखिएगा इसका टॉप कौन से लेवल पे है, 11,130। अब हम इसका टॉप देखेंगे 11,170, सिर्फ कुछ 40 पॉइंट का ही फर्क है इस पे, और 40 पॉइंट के फर्क को भी अगर हम इग्नोर कर दें, यानी कि हम जो ये शेडो देख रहे हैं इसको इग्नोर कर दें और यहीं पर ही सिर्फ ट्रेंड लाइन बनाए, तो कुछ पॉइंट्स यानी 7-8 पॉइंट का ही डिफरेंस है, और ये डिफरेंस हमें सजेस्ट करता है गाइस कि यहाँ पर जो शोल्डर है वो बिल्कुल एग्जैक्ट शोल्डर बने हैं, मतलब कि इस लेवल को ये नहीं तोड़ पाया और यहीं से ये फिसल आउट हो गया। फिसल आउट होने के बाद अब जो इसका नया टारगेट बन रहा है, वो नया टारगेट बन रहा है इसका शोल्डर कंप्लीट होगा, यानी कि अगर ये अपने शोल्डर के टॉप को रिस्पेक्ट दे रहा है और वहां से ये फॉल कर रहा है, तो ये अपने शोल्डर के बॉटम तक भी जरूर जाएगा, और जो इसका बॉटम बना हुआ है गाइस सीधा 10,000 का लेवल है।
और अगर ये अपने इस लेवल पे आ जाता है और लेवल के आने के बाद गाइस इसको ये तोड़ देता है, बाय चांस भी अगर इसको तोड़ के इसके नीचे पूरा हफ्ता ट्रेड करता है, सो गाइस हमारे लिए बहुत ज्यादा ही खतरनाक लेवल्स खुल जाएंगे और मार्केट हम कह सकते हैं एक 2008 के उस जगह में पहुंच जाएगा जहां पर वो था। इसकी संभावना कैसे आ सकती है गाइस, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ ये पैटर्न को बनने में कितना टाइम लगा होगा। 2017 से आप देख सकते हैं, 2017 यानी कि 12 हो गया है, 2018 एक साल पहले यहां से ये शोल्डर बना था और दोबारा हमने देखा ये कब कंप्लीट हुआ था कि 3 महीने के अंदर ये शोल्डर ने अपना प्रोसीजर पूरा कंप्लीट करा है। अब हम ये लेवल्स देखते हैं, इसको 3 लेवल होने में अब हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शोल्डर इसने बिल्कुल परफेक्ट बनाया पर यहाँ पर ये ऊपर जाते वक्त कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ पर इसने बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया। तो अगर हम इसका 3 महीने देखते हैं गाइस, तो ये 11 हो ही गई है, तो इस मंथ के एंड तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 10,000 का लेवल। पर गाइस ऐसा नहीं हो सकता, इतनी ज्यादा फॉल नहीं आ सकती इस मंथ के अंदर, जिस तरीके से हम ऑप्शन का डाटा देख रहे हैं हमें नहीं दिख रहा, पर गाइस पॉसिबिलिटी है कि इसके अराउंड 1 या 2 महीने के अंदर अंदर या हम देख सकते हैं यहाँ से 4 महीने के अंदर ये वापस 10,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से गाइज आपको ये समझाया गया है निफ्टी 50 के बारे में, दो तरीके के पैटर्न बन रहे हैं, मेजर्ड पुल पैटर्न, मेजर्ड मूव पैटर्न जो 10,000 का लेवल सजेस्ट कर रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो वापस 10,000 का लेवल शो कर रहा है। क्लियरली समझ आ गया हो तो एक बार रिवाइंड करके एक बार और समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, बैंक निफ्टी में ज्यादा कुछ नहीं है, मैं एक बार और दिखाना चाहूंगा, बिल्कुल सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, दिखा देते हैं आपको। देख सकते हैं गाइस कि आप यहाँ पर भी एक तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसके अंदर डेवलप हो चुका है। मैं आपको दोबारा एक बार इसका शोल्डर और हेड बना के दिखाता हूँ, जिस तरीके से आप समझ जाएंगे। यहां से पर्टिकुलर काउंटर ने मूवमेंट दी, स्टॉक ऊपर गया, वापस उसने एक डिप दी, डिप देने के बाद हम देखते हैं दोबारा वो ऊपर जाता है, फिर एक डिप देता है, डिप देने के बाद दोबारा हम इसमें एक अपसाइड देखते हैं, और अपसाइड में देख सकते हैं यहाँ इस लेवल पे जहां पर मैंने ये ट्रेंड लाइन कंप्लीट करी है और ये जो लाइन उसके साथ जा रही है, ये जो लाइन जा रही है, इस लाइन के टॉप को और इस लाइन के टॉप को मिला के देखिएगा गाइस, एग्जैक्ट सेम टॉप या एग्जैक्ट सेम शोल्डर बना हुआ है, शोल्डर का हाई बना हुआ है और वहां से ये बैंक निफ्टी का काउंटर फिसल आउट हो चुका है, यानी कि गिर चुका है। गिरने के बाद जो इसके हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो इसके शोल्डर्स के बॉटम तक कर सकते हैं, जो कि 24,000 का लेवल है, जो कि हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। दूसरी बात, अब किस तरीके से हमें ट्रेड लेना है, निफ्टी की तरफ दोबारा मैं एक बार बढ़ना चाहूंगा। जो अब हम बात करते हैं 2 या 3 दिन के पर्पस से, तो अब हमें उसमें भी ट्रेड लेना है। गाइस वेट करिएगा, हाँ जी, अब आप देख सकते हैं कि ये लाइन इस पॉइंट को मैं ट्रेंड लाइन की तरह ड्रॉ करता हूं, सो मुझे मिलता क्या है, तो आप खुद ही देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जहां पर आज सपोर्ट लिया वो यही ट्रेंड लाइन थी गाइस, ये ट्रेंड लाइन पे आज इसने अपना सपोर्ट लिया है। मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को भी ड्रॉ करना चाहूंगा, उससे भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल ड्रॉप कर लिया टॉप टू बॉटम, देख सकते हैं गाइस कि इस पर्टिकुलर काउंटर ने 61% को तोड़ा, 50 को भी तोड़ा, अब 38 की तरफ बढ़ रहा है। पॉसिबिलिटी है कि यहां से इस पर्टिकुलर काउंटर एक ऊपर की तरफ अपमूव दे सकता है, क्योंकि 200 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसी पास में ट्रेंड लाइन है और इसी पास में 38.2 का रिट्रेसमेंट लेवल है, यानी कि 10,700 अगर बाय चांस निफ्टी तोड़ दे और उसके नीचे 2 दिन तक क्लोजिंग दे दे, सो शायद 1-1.5 महीने के अंदर ही हम 10,000 का टारगेट एक्सपेक्ट करके रख सकते हैं। ये मैं आपको सीरियस नोट में बता रहा हूँ, जिस तरीके से चार्ट पैटर्न सजेस्ट कर रहा है, सो मैं आपको सलाह ये दूंगा, हायर लेवल्स पे अगर आपको पर्टिकुलर ये निफ्टी या बैंक निफ्टी मिलता है तो अपनी शॉर्ट पोजीशंस को इनिशिएट करिएगा, या फिर अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो 10,700 के लेवल को टूटने का इंतजार करिए
और उसके बाद 2 दिन तक और वेट करिएगा। चाहे जितना नीचे गिर जाए आप 2 दिन तक वेट करिएगा कि उस पर्टिकुलर 10,700 के नीचे ही वो क्लोज दे 2 दिन तक। उसके बाद हम अपनी सेल पोजीशन बनाएंगे 10,000 के टारगेट के लिए गाइस। अब आप देख सकते हैं इस ट्रेंड लाइन पे इसने अपना सपोर्ट लिया है और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, तो शायद ये एक कल अप मूव दे दे और 10,800 850 की तरफ ये बढ़ने की कोशिश करे, वहां से हम एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में आपको मैंने ये जब टॉप्स मिलाए तो टॉप मिलाने के बाद भी हम देख सकते हैं कि यहीं पर इसने सपोर्ट लिया और बैंक निफ्टी ने बाउंस कर दिया। इस तरीके से ही अपने अपने क्लाइंट्स को इसमें बाय रिकमेंड करी थी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के अंदर आप देख सकते हैं 61% का रिट्रेसमेंट लेवल ही यहाँ पर है जहां पर ये सपोर्ट ले सकता था, कुछ पॉइंट ही नीचे था। सो यहाँ से भी हम एक अपमूव देख सकते हैं। बाय चांस अगर ये अपमूव नहीं आती और 61.8% के काउंटर को ब्रेक करके 2 दिन तक क्लोजिंग देता है, सो गाइस तीसरे दिन आप अपना शॉर्ट इनिशिएट करेंगे फॉर अ टारगेट ऑफ 50% रिट्रेसमेंट लेवल, देन अ सेकंड टारगेट ऑफ 38 एंड लास्ट इज 24,000 इन बैंक निफ्टी। बहुत क्लियरली तरीके से आपको ये समझा दिया गया होगा। कोई भी यूट्यूब चैनल जो आपको इसकी नॉलेज प्रोवाइड कराता होगा स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई भी इस तरीके से आपको नहीं समझाएगा। सो गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा गाइस कि अगर आपको सीखना है कि मैं ये पैटर्न्स कैसे ढूंढता हूँ, कौन से पैटर्न है जो हमारी मार्केट या हमारे स्टॉक को बाय या सेल सिग्नल जनरेट करने में हमें पता चलता है, उसके बाद फिबोनाची का यूज करके हम बाय या सेल कैसे ढूंढ सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड हर दिन ले सकते हैं, तो गाइस इस वीडियो को जरूर देखिएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखी है, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है। या मेरे चैनल पर जा सकते हैं, शिवांश भसीन मेरे नाम का ही चैनल है, जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्राइस ब्रेकआउट पैटर्न है वीडियो का नाम, जिसपे मेजर्ड मूव है पैटर्न का नाम, आपको यहाँ पर वीडियो के एंड पे भी यहाँ पर शो कर जाएगा बॉक्स में, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगा। जरूर जाके इसे वॉच करिएगा और आपको बहुत ज्यादा नॉलेज इसमें प्रोवाइड होगी। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा। गाइज बेल आइकन से होगा ये, कोई भी आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं बेल आइकन या सब्सक्राइब करने में, आपको सिर्फ एक फायदा मिलेगा कि जब भी मेरी वीडियो कोई अपलोड होने वाली होगी आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मेरे चैनल ने एक नई वीडियो अपलोड करी है, आप उसे जाके देख लीजिए। और जब आप उसे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होंगी। जरूर जाके इस वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया हो, और गाइस मेरी वो वाली वीडियो को देखिएगा जो यहाँ पर आपको शो कर रही है, देखिए इस वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक है जाके खोल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, स्विंग ट्रेड्स की कॉल्स के साथ, साइनिंग ऑफ।